तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, महामश्रा व्लॉग्स में खुशामदीद। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये घर आपने देखा देखा लग रहा होगा, तो हम आए हैं नाना वो घर एक बार फिर। अच्छा ठीक है। व्लॉग देखने से पहले मेरे प्यारे से बहन भाइयों, एक लाइक सब्सक्राइब कर देना आपकी बाजी के चैनल को। यहाँ पे इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मैच किस किस ने देखा और किस किस ने इस मैच को एंजॉय किया है। और यहाँ पे लोगों ने 12 रबी अव्वल के लिए लाइटें लगाई हुई थी। सबको 12 रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। ये रहमतों का महीना है। इंशाल्लाह अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे इस महीने में। तो किस किस ने अपने घर को डेकोर किया है, लाइटें लगाई हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यह है मेरी नानों का ड्रेस और हम लोग हो रहे हैं शादी के लिए तैयार। तो मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए कीमियाई के स्ट्रेटनर से, नॉट अ कीमे वाला स्ट्रेटनर। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई की और ये फ्लेम की, ऑप्टिमल्स की, इवन आउट की, बहुत अमेजिंग फाउंडेशन है। तो उसके बाद मैंने ये रेवोल्यूशन की किट यूज़ की थी। ये मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम से बगैरियस ऑर्डर की थी। बहुत अमेजिंग इसके शेड्स हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगे। मैंने फिर उसके बाद ब्लशन लगाया। मैं ब्लशन बहुत कम यूज़ करती, कुछ लोग तो लाल टमाटर की तरह ना इतना ज़्यादा ब्लशन ठोक लेते। तो उसके बाद फिर मैंने मस्कारा लगाया और मैं रेडी हो गई। फिर मैंने परफ्यूम छिड़का, रिंग्स इयररिंग्स पहने और मैं तैयार। और ये तो उसके बाद मैं अपने कज़न अहमद के साथ खेलने लग गई थी। माशाल्लाह इतने क्यूट है, इसके छोटे छोटे से हाथ हैं और मेरे हाथ इतने बड़े बड़े लग रहे हैं इसके। अच्छा तो यहाँ पे मेरा भाई खा रहा था चिप्स, और किसी के प्लेट से जाके चिप्स खाने का जो स्वाद आता है ना, वो मैं कहती हूँ अखीर है। उसके बाद यहाँ दूसरे भाई को तंग करने आके उस बेचारे का सारा मेरे हेयर स्टाइल ख़राब कर दी। खैर है यार, इतने रहते नहीं इनके हेयर स्टाइल, मैंने इतनी बार ख़राब करने की कोशिश किया पर ढीठ है इसका हेयर स्टाइल ख़राब ही। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पिट्ठा छोड़ दे। नो, फिर ये मैंने खाई मिठाई, बट सो सैड इसके अंदर गुलाब जामुन नहीं था। फिर मुझे बर्फी से ही गुजारा करना पड़ा, बट ये बहुत मज़े की थी। तो उसके बाद मैंने पहना जूता, और ये जूता भी ऐसा था कि बंद ही नहीं हो रहा था। हील वाले जूतों का यही मसला, और हर कोई आके हीरो बनने की कोशिश करता, मैं बंद करती, पर हुआ किसी से भी नहीं। फिर भी हो गया। कह रहा है फिर मैं रेडी होगी फाइनली। वैसे कौन कौन तैयार होने में टाइम लगाते हैं ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पर रिंग्स वगैरह जो जो पहनना था वो मैंने सब पहने थे, और मैं रेडी हो चुकी थी। तो ये है राबिया। मैंने सोचा समर से तो आप लोग बोर हो जाएंगे, नया वर्गन कुछ दिखाना चाहिए। शर्मा तो मुझसे ऐसे रही जैसे मैं तो उसका रिश्ता लेने आई हूँ ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भागती ऐसे जैसे वो जो कहते हैं कुड़ियाँ शर्मा गई हैं, वो वाला हाल था। मुझे पानी देने आई थी। आप लोगों ने भी सोचा होगा हर ब्लॉग को पानी दिखाती, बट अपने आप को डिहाइड्रेट रखना चाहिए, सो पानी पीना चाहिए। और मैं तैयार होकर बस अपने हाथ पाँव के स्नैप से बनाई जा रही थी। मैं आवाज़ार होगी तो हील चेक करें, अगर वैसे किसी को हील पड़े अम्मी से कितनी जोर की पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से रहना फिर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठास। तो ये फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का, और इस परफ्यूम की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर मैंने सोचा इनको तो लगने टाइम, फिर मैंने चाय पी ली और हम लोग निकल पड़े। उसके बाद नाना वो और नानो हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अपने सफ़र की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो इस व्लॉग का पार्ट टू भी आएगा, और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो घंटी को दबा दें बेल आइकन को, और ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और अंदर जाके मैं आपको सब मेहमानों से मिलवाती हूँ। तो हम लोग अंदर आ चुके थे। तो ये मेरी प्यारी सी दोस्त, जिसकी वैसे मेहंदी तो अच्छी लगी। वैसे हम दोनों में ना इस बात की इतनी बहस होती है कि किप्स कॉलेज अच्छा ही पढ़ती है, किप्स में मैं पंजाब में पढ़ती थी, किप्स कॉलेज अच्छा है पंजाब कॉलेज अच्छा है, जैसे कॉलेज हमारे अपने हो ना हमारे। हम लड़ तो ऐसे रहे जैसे हमने खुद खरीदे हों। अच्छा ठीक है। तो इसके बाद मैं एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाती हूँ। ये मेरी प्यारी सी मामी है, इसको तो आप जानती होंगे, मैंने पिछले व्लॉग में भी इसको दिखाया था। और मैं अपने कज़न अमल के साथ यहाँ पे खेल रही थी। और ये है मेरी दूसरी मामी। हम लोगों में ऐसी फ्रेंडशिप होती है जैसे किसी बेस्ट फ्रेंड में नहीं होती थी। तो यहाँ पे मैं अपनी दूसरी मामी के साथ खाना खाने लगी थी, और हम मिलके खाना खा रहे थे। और मिलके खाने में जो बरकत होती ना, उसका हिसाब नहीं होता, और बहुत मज़ा आता खा के। तो मैंने पिछले व्लॉग में अपने मामू को सही से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो मैंने कहा मामू मैंने व्लॉग शूट करना है आपको, मैंने सही से इंट्रोड्यूस कराना। मामू कहते जी जी ज़रूर। फिर मैंने मामू को कहा कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, कहते हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, अब तो यार आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं घर वापस। मैंने व्लॉग नहीं एंड किया, व्लॉग पूरा देखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। तो घर जाके ना मैं कुछ आप लोग को ऐसा दिखाऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत हंसी आएगी, पर थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और आगे करके मैं देखना पूरा व्लॉग आराम आराम से देखना। तो आप लोग मेरे घर जाने का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं
मेरे पाँव में इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी कि मैंने हील ही उतार दी, गाड़ी में उतार दी। तो कभी वो दौर भी था जब मैं भी डॉल्स के साथ बहुत ज्यादा खेलती होती थी। यार ये किकली ऐसे डाली, बचपन के दिन ताजा हो गए जैसे हम बहुत बुजुर्ग हो गए। तो जो मैं आपको हंसने वाली चीज कह रही थी ना वो ये थी, और ये माधुरी जी के डांस की फुल कॉपी कर रही थी जो वाओ ब्यूटीफुल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? माधुरी जी ये डांस देखेंगी ना और वो जरूर रोएंगी। तो जो भी अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और मैं अपने यहाँ पे व्लॉग की एंडिंग करी और व्लॉग का पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्द आएगा, उसको वॉच करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। को अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।